नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है अनकही अनसुनी वाल्मीकि जी की रामायण। और यही एपिसोड में और यही कार्यक्रम में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताते हैं जो हालांकि वाल्मीकि जी की रामायण में लिखी हुई है पर कहीं सुनी नहीं है। और यही सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारे गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिषी और धर्म के बड़े ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चेतन जी। अगले एपिसोड में हमने सुना था कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में युद्ध हुआ और आखिर में विश्वामित्र जी ने युद्ध के बाद ऐसा कहा था कि क्षत्रिय बल धिक्कार है, ब्राह्मणत्व ही असली बल है। फिर वो ब्राह्मणत्व पाने का निश्चय उन्होंने विश्वामित्र जी ने किया। मेरा सवाल ये था कि क्या विश्वामित्र जी ने किस प्रकार इस ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया? ब्राह्मणत्व विश्वामित्र जी ने संकल्प कर लिया कि अस्त्र शस्त्र वगैरह इतना काम का नहीं है जितना है ब्राह्मणत्व का बल है। बड़े ही प्रतापी राजा थे वे, फिर भी उन्होंने यह संकल्प किया था। इस विषय में आगे सतानंद जी श्री राम से कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ से पराजित होकर विश्वामित्र जी अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा में घनघोर वन में चले गए थे और वहां रहकर उन्होंने अत्यंत भयंकर तप किया था जी। वन में ही विश्वामित्र जी के चार पुत्र उत्पन्न हो गए थे जिनके नाम थे हविष्पंद, मधुस्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ। यह जो चार पुत्र थे वे भी उनके साथ धर्म के कार्य में हमेशा लीन रहते। विश्वामित्र जी ने जब 1000 वर्ष की बड़ी ही घोर तपस्या की तभी ब्रह्मा जी कुछ देवताओं के साथ वहां उपस्थित हो गए थे और बड़े ही प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी से यह कहा था कि आपने इतनी घोर तपस्या से राज ऋषि के लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, इसीलिए आज से हम भी आपको राज ऋषि कहेंगे और आप ही सच्चे राज ऋषि हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि उन्होंने तो ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए यह तपस्या की थी। परंतु ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ यह बात कहकर अपने अपने लोकों में चले गए थे। तभी विश्वामित्र जी ने फिर से भयंकर तपस्या करने का निश्चय किया और तपस्या करने लगे थे। शतानंद जी ने यह बात आगे श्री राम को सुनाते हुए यह कहा, तभी आपकी अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु कुल में त्रिशंकु नाम से एक राजा थे। वह बड़े ही प्रसिद्ध थे। तभी उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने सशरीर स्वर्ग जाओ। ऐसा राजा को विचार आया। तभी उन्होंने अपने उस समय के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के सामने जाकर अपना यह विचार प्रकट किया था। परंतु वशिष्ठ जी ने राजा त्रिशंकु से स्पष्ट कह दिया कि ऐसा होना असंभव है। तभी महर्षि वशिष्ठ जी से निराश होकर राजा त्रिशंकु वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे उनके पास चले गए और उन्हें विनती करने लगे और सशरीर स्वर्ग जाने की अपनी जो इच्छा थी वह उन्हें सुनाई और साथ ही उन्होंने यह भी कहा
कि मुझे इस बात के लिए मेरे गुरु वशिष्ठ जी ने तो ना कहा है, इसीलिए मैं आपके पास ये बात लेकर आया हूँ, आप मेरे लिए यह यज्ञ कीजिए। तभी उन गुरु पुत्रों ने उनकी बात को ठुकरा दिया और कहा था कि यह भी हमारे पिता यदि यह बात नहीं कर सकते तो हम भी यह यज्ञ करना नहीं चाहेंगे और आपको भी यह करना नहीं चाहिए। तभी वे भी राजा थे, तब राजा त्रिशंकु ने उन गुरु पुत्रों से यह कहा था कि गुरु ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था, अब आप लोग भी यह कार्य स्वीकार नहीं कर रहे हो, अतः मुझे किसी ही बड़े गुरु के पास जाना चाहिए जाना पड़ेगा और मैं उन्हीं से इस यज्ञ को करवाऊंगा। ऐसी अहंकार भरी बातें उन्होंने जब वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को सुनाई तो क्रोध में भरकर उन गुरु पुत्रों ने राजा त्रिशंकु को श्राप दे दिया कि जा तू चांडाल हो जा, जो अपने गुरु और गुरु पुत्रों का अनादर करता है। और रात व्यतीत होते हुए राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। तभी उनके मंत्री, उनके सेनापति, उनके साथ रहने वाले सैनिक भी उनसे दूर भाग गए थे। तभी अकेले पड़ गए और चिंतित हो गए राजा त्रिशंकु। भटकते भटकते विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंच गए थे और विश्वामित्र जी की शरण में जाकर उन्हें पूरी बात कह सुनाई थी और उनको कहा था कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी से अपमानित हुए राजा त्रिशंकु को विश्वामित्र जी ने शरण दे दी थी और उनके हृदय में करुणा और दया आई थी। तभी उन्होंने राजा त्रिशंकु को आश्वासन दिया और उन्हें यह भी कहा था कि मैं तुम्हें इसी श्रापित शरीर के साथ ही स्वर्ग अवश्य भेजूंगा। और तभी उन्होंने अपने पुत्रों और साथ में रहते सभी मुनियों को इस यज्ञ के लिए सामग्री जुटाने की आज्ञा कर दी थी और साथ ही कुछ मुनियों को बड़े बड़े ऋषि मुनि और कई मुनियों को बुलाने के लिए आमंत्रण देने भेज दिया था और कहा था सिर्फ वशिष्ठ मुनि को आमंत्रण न दिया जाए। जब विश्वामित्र जी के सभी ऋषि मुनि यज्ञ का आमंत्रण देने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों के पास पहुंच गए थे, तभी वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों ने विश्वामित्र जी का आमंत्रण सुनकर क्रोध पूर्वक यह कहा था कि एक तो चांडाल का यज्ञ और कराने वाला भी क्षत्रिय, उसके यज्ञ में कौन ऋषि भाग लेगा। इस प्रकार विश्वामित्र जी की निंदा कर दी थी। तभी जब यह बात विश्वामित्र जी को मुनियों ने आकर बताई, तभी विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को यह श्राप दे दिया कि मैं उग्र तपस्या में लगा हूं, फिर भी जिसने मुझ पर दोषारोपण किया है वह दुरात्मा भस्मीभूत होकर 100 जन्मों तक चांडाल जाति में जन्म ले। उसके बाद विश्वामित्र जी ने निमंत्रण पर आए ऋषि मुनियों से अपना यज्ञ आरंभ कर दिया। त्रिशंकु राजा के लिए जो यह यज्ञ हो रहा था उसमें विश्वामित्र जी ने सभी देवताओं को बड़ा ही आह्वान किया था और अपना अपना भाग इस यज्ञ से प्राप्त करने का आमंत्रण दिया था। तभी कोई भी देवता
किसी भी मार्ग से इस यज्ञ का भाग लेने आया नहीं था। तभी त्रिशंकु राजा भी चिंतित हो गया था। तभी क्रोध में आकर विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु राजा से यह कहा था, अब तुम मेरे तपोबल का बल देखो, मैं तुम्हें अभी ही स्वर्ग भेज देता हूँ। ऐसा कहकर वह मंत्र जाप करने लगे थे और कुछ ही देर बाद उन्होंने त्रिशंकु राजा को आदेश दिया कि राजन अब तुम इसी शरीर से स्वर्ग जाओ। तभी चांडाल बने हुए त्रिशंकु राजा उड़ने लगे थे और स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे थे। तभी वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो गए थे। देखते ही देखते राजा त्रिशंकु स्वशरीर स्वर्गलोक पहुंच गए थे और स्वर्गलोक में आए राजा त्रिशंकु को देखकर सभी देवता और इंद्र भी ताज्जुब में पड़ गए थे। तभी इंद्र देव ने क्रोध में आकर त्रिशंकु को यह कहा था कि तूने अपने गुरु और गुरु पुत्रों का अपमान कर अपना बल और अपना तप नष्ट कर दिया है, तेरा पुण्य नष्ट हो गया है, इसीलिए अब तू स्वर्ग में नहीं रह सकता, जा तू जमी पर गिर जा। इंद्र के ऐसा कहते ही राजा त्रिशंकु पुनः पृथ्वी पर गिरने लगा था और स्वर्ग से नीचे आ रहे त्रिशंकु जिनका मस्तक नीचे था और पैर ऊपर थे वह विश्वामित्र जी को पुकारने लगे थे और मदद कीजिए विश्वामित्र जी ऐसा चिल्लाने लगे थे। तभी स्वर्ग से गिरते राजा त्रिशंकु को देखकर पुनः विश्वामित्र जी को दया आ गई और उन्होंने क्रोध में आकर राजा त्रिशंकु को यह आदेश दिया कि ठहर जा, जहां है वहीं ठहर जा। ऐसा आदेश उनको मिला तभी उनका शरीर आकाश में वहीं रुक गया। तभी वह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच लटक गए थे। राजा त्रिशंकु को आकाश मार्ग में रोककर विश्वामित्र जी ने क्रोध में भरकर ऋषि मुनियों और सभी पंडितों के साथ नए सप्तर्षियों की रचना कर दी थी और कई नए नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला था। और तभी विश्वामित्र जी एक दूसरे ही स्वर्ग और दूसरे ही देवताओं को बनाने जा रहे थे। यह सब देखकर सभी देवता डर गए थे और तभी सभी देवता विश्वामित्र जी के पास विनती लेकर पहुंच गए थे और इन्हें कहने लगे थे कि कृपया आप दूसरा स्वर्ग और दूसरे देवता न निर्माण कीजिए। तभी विश्वामित्र जी ने यह कहा था कि मैंने राजा त्रिशंकु को अपना वचन दे दिया है कि वह स्वर्ग का सुख इसी शरीर से भोगेगा। यदि तुम मेरी एक शर्त मान लो कि राजा त्रिशंकु को स्वर्ग का सुख दे सको और मैंने जिन सप्तर्षियों का और नक्षत्रों का निर्माण किया है वह हमेशा ऐसे ही बने रहे, तुम यदि मेरी ये शर्त मान लो तो मैं नए स्वर्ग की रचना और देवों की रचना रोक सकता हूँ। तभी क्रोधित हुए विश्वामित्र जी इसी की शर्त सभी देवताओं ने मान ली थी
और तभी उनको कह दिया था कि त्रिशंकु भी इन नक्षत्रों के साथ अवकाश में हमेशा प्रकाशित रहेंगे और स्वर्गीय पुरुष की भांति सुख प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार सतानंद जी विश्वामित्र जी की यह कथा सुनाकर आगे कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने तभी सोचा था कि दक्षिण दिशा में रहने से मेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए वह अपनी तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में पुष्कर के तपोवन में आगे की अपनी तपस्या करने के लिए चले गए थे। जिस समय विश्वामित्र जी पुष्कर के तपोवन में तपस्या कर रहे थे, उस समय अयोध्या पर राजा अम्बरीश का राज चल रहा था और राजा अम्बरीश भी एक बार बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तब राजा अम्बरीश की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर घबराकर देवराज इंद्र ने उनका यज्ञ पशु चुरा लिया था। चारों दिशाओं में खोजने के पश्चात भी राजा अम्बरीश को अपना यज्ञ पशु नहीं मिला। तभी उन्होंने अपने पुरोहितों को यह बात बताई तो पुरोहितों ने राजा अम्बरीश से कहा था कि जो राजा अपने यज्ञ पशु का ध्यान नहीं रख सकता वह दोषों में गिरकर नष्ट हो जाता है। यदि तुम इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो यज्ञ पशु को ले आओ या फिर यज्ञ पशु की जगह पर किसी मनुष्य को पशु बनाकर खरीद कर ले आओ, तभी तुम्हारा ये पापों का प्रायश्चित हो सकता है। इस प्रकार राजा अम्बरीश को उनके पुरोहितों ने यह उपाय बताया था और तभी विश्वामित्र जी भी अपने तप करने के लिए पुष्कर के वन में चले गए थे। बिल्कुल चेतन जी, विश्वामित्र जी जो पहले तप करने गए थे उनका तप भंग हुआ। अब आपने जब बताया कि पुष्कर के तपोवन में विश्वामित्र जी तप करने गए, अब सवाल यह है कि क्या विश्वामित्र जी ने जो तप किया पुष्कर के तपोवन में वो तप सफल हुआ था क्या? जिस समय विश्वामित्र जी पुष्कर के तपोवन में तपस्या कर रहे थे उसी समय राजा अम्बरीश का यज्ञ पशु चुरा लिया गया था। राजा अम्बरीश भी अपने यज्ञ पशु को ढूंढ रहे थे, विश्वामित्र जी भी अपने तप में लगे हुए थे पुष्कर के वन में। तभी राजा अम्बरीश ने अनेक अनेक लोगों से, अनेक मनुष्य से अपने यज्ञ का पशु बनने की बात की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तभी राजा अम्बरीश ऋचिक ऋषि के पास पहुंच गए थे और उन्हें यह विनती की थी कि ऋषिवर, इतनी बड़ी आपदा पड़ी है और आपके तीन पुत्र हैं, यदि आप तीनों पुत्रों में से एक पुत्र को पुरुष पशु बनाने के लिए मुझे समर्पित कर दीजिए तो मैं आपकी जो आप चाहे वह सेवा करूंगा और मैं भी कृतकृत हो जाऊंगा। राजा अम्बरीश की बात सुनकर ऋचिक ऋषि ने तुरंत ही यह कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर अपने बड़े बेटे को तो तुम्हें नहीं दे सकता। ऋचिक मुनि की यह बात सुनकर उनकी पत्नी भी साथ खड़ी हुई थी, उन्होंने अपने छोटे बेटे को बगल में ले लिया और यह कहा था, मैं अपने छोटे पुत्र को भी कभी भी किसी को नहीं दे सकती। पिता ने ज्येष्ठ पुत्र को ऐसा कहा, माता ने सबसे छोटे पुत्र को यह कहा, तो मंजिला जो पुत्र था उसका नाम था शुमशेर। यह बात सुनकर मन ही मन थोड़ा क्रोधित हो गया
और मंजला पुत्र क्रोधित होकर राजा अमृत से कहने लगा कि मैं तैयार हूँ यज्ञ पशु बनने के लिए। तभी उसके माता पिता ऋचिक मुनि और उनकी पत्नी ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन शुमशेर क्रोधवश किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और अमृत से कहने लगा कि आप मुझे खरीद लीजिए। तभी मन ही मन राजा अमृत प्रसन्न हो गए थे। जब वह बालक नहीं माना तो ऋचिक मुनि के भी कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं रहा। तभी ऋचिक मुनि के मंजले पुत्र शुमशेप के बदले में राजा अमरीश ने लाखों सुवर्ण रत्न, लाखों सुवर्ण मोहरे और 1,00,000 गाय का दान किया और ऋचिक ऋषि को दे दिया था। तभी शुमशेप को वो अपने साथ पशु की भांति रस्सी से बांधकर अपने रथ पर सवार कर अयोध्या की तरफ ले चले थे। ऋषि पुत्र शुमशेप ने क्रोधवश यह बात कह तो दी थी कि मुझे पुरुष पशु बना लीजिए, परंतु अब उन्हें मनी मन घबराहट होने लगी थी कि यज्ञ पूरा होते ही पशु की भांति उसका भी वध हो जाएगा। तभी वो मनी मन वो डरने लगा था और तभी उसे ये ख्याल आया कि इसी वन में उसके मामा विश्वामित्र जी तप कर रहे हैं। तभी उसने राजा अमृत से यह बात कह सुनाई थी कि मैं अंतिम बार मेरे मामा के दर्शन करना चाहता हूँ, यदि आप मुझे वहाँ ले चले। राजा अमरीश ने विश्वामित्र जी का नाम सुना तो मन ही मन उसे भी ऐसा हो गया कि मुझे भी विश्वामित्र जी के दर्शन करने चाहिए। तो वह विश्वामित्र जी के आश्रम पर शुमशेप को लेकर चले गए थे। शुमशेप को उनके मामा के पास भेज दिया। मामा के चरणों में गिरकर शुमशेप रोने लगा। तभी विश्वामित्र जी ने बड़े ही प्यार से अपने भांजे को गले लगा लिया था। वहाँ जाकर राजा अमरीश ने पूरी बात कह सुनाई। विश्वामित्र जी जान गए थे कि मूल्य के आधार पे इसका विक्रय हुआ है, इसको खरीदा जा चुका है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तभी एक तरफ उनके भांजे ने भी विनती की, मामा मुझे बचा लीजिए। यह सब घटना पुष्कर के वन में हो रही थी। तभी विश्वामित्र जी ने उसे आश्वासन दिया और कहा था, मैं कुछ न कुछ प्रयत्न करता हूँ। बिल्कुल। अब आगे चेतन जी, जो बात हमें जाननी है वो है कि पुष्कर के उस तपोवन में जहाँ विश्वामित्र जी तप करने गए थे, वहाँ आगे फिर उन्होंने कैसे तपस्या की और कैसे वह ब्रह्म ऋषि बने, यही बात आपसे जानेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है, आप चेतन जी उपस्थित रहे और हमारे दोस्तों को, दर्शकों को कई सारी रामायण की अनकही अनसुनी बातें सुनाई, रोचक बातें सुनाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।